हेलो एवरीवन, आज है डे थर्ड ऑफ बिजनेस स्टडीज़। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज की वीडियो में हम करेंगे कॉन्सेप्ट इसका, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा नेचर है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये तीन टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे डे थर्ड के अंदर। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ए मैनेजरियल प्रिंसिपल इज ब्रॉडली एंड जनरली गाइडलाइंस फॉर अ डिसीजन मेकिंग बिहेवियर। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल क्या होता है कि उनको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनका डिसीजन लेना, मेकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर, उसको फिक्स करना, वो सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपको किसी का प्रमोशन करना है, मैनेजर को कंसीडर करके आप प्रमोशन किस तरीके से करेंगे, मैनेजर को कंसीडर करके या फिर आपके सीनियर मैनेजर को कंसीडर करके। बट लेकिन अगर हमें प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, उसकी मेरिट्स के अकॉर्डिंग, उसकी मेरिट्स देख के हम उसका प्रमोशन करेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो किस चीज पे बेस्ड होती है, वो प्रिंसिपल्स के बेस्ड तो होती ही होती है, बट वो डील करती है ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेती दोनों तरीके से। इसके अंदर हमें दो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, टेलर के प्रिंसिपल एंड फ्यूल के प्रिंसिपल। वो हम अपनी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर तो पहले हम इसका नेचर पढ़ेंगे, इसका नेचर कैसा होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहला हमारा नेचर है यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, मैनेजमेंट हर जगह चलेगी, चाहे हमारा कोई पब्लिक सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, या फिर कोई स्मॉल बिजनेस है, एज वेल एज कोई भी बड़ा बिजनेस है, स्मॉल और लार्ज, कोई इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई इंडस्ट्री है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो अप्लीकेबल होगी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल और लार्ज, हर एक जो इंडस्ट्री होगी उसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो अप्लीकेबल होगी। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट जो है वो जनरल गाइडलाइंस पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। मैनेजमेंट जो वर्क करती है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स करती है। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो रियल की जो बिजनेस की सिचुएशन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है रिजल्ट के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो जो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट बिकॉज इवन ए स्मॉल गाइडलाइंस हेल्प्स टू सोल्व योर गिवन प्रॉब्लम। क्योंकि एक जो छोटी सी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसको, एक बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी सी गाइडलाइन सोल्व कर सकती है। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट है, वो जनरल जो गाइडलाइंस होती है उनके ऊपर बेस्ड होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रैक्टिस होती है वो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये बोल दिया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक ये थॉट नहीं है, ये सच्चाई है कि प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट करती है उस चीज़ के अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हर कोई बंदा किसी भी चीज़ के अंदर परफेक्ट नहीं होता है, ये सबको पता होता है कि अब हम कोई भी काम करें उसके अंदर हम परफेक्ट नहीं हैं। अब मुझे कोई ये बोले, मुझे जैसे एक कॉमेंट भी आया हुआ था कि मैम आप अपने आप को इम्प्रूव करें, तो धीरे धीरे हर एक इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। मैंने उनको ये नहीं बोला कि भाई मैं क्यों करूँ अपने आप को इम्प्रूव, नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती रहूँगी। तो यही चीज़ है, जैसे कई बार हम ये बोल देते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, जैसे हम ये बोल देते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही भाई, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमसे वो चीज़ हो जाती है। और ये है ना, बिल्कुल ही नहीं हो रही है कि भाई कोई ऐसा काम आपसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा, छोड़ दो उसी टाइम पर, छोड़ दो उसको। हाँ, लेकिन अगर आप कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया तो उस काम के अंदर अपना 100% दो। अब मान लीजिए मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस करवा रही हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को 10 सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ बीकॉम के। तो अब अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूँगी, अगर अब मेरे से हो रहा है, मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आ रहा है, तो प्रैक्टिस ही मुझे परफेक्ट बनाएगी। ऐसा नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कमियाँ हर एक इंसान के अंदर होती हैं, मेरे अंदर भी, आप लोगों के अंदर भी हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप
कामयाब हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप इसी फील्ड के अंदर हो, मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं पढ़ाने में ही सक्षम हूँ या मैं इसी फील्ड के अंदर अपना कामयाब हो पाऊँगी या सक्सेसफुल हो पाऊँगी। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या पता मुझे इस फील्ड के अंदर सक्सेस ना मिले, तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट अब कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए इंसान को। तो भाई मैं अभी बहुत ज़्यादा लेक्चर देने के मूड में आ गई, इस वजह से हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होती है। मतलब जैसे कि साइंस के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट्स भी है, वो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है। तो जैसे साइंस के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं, जब आप मैनेजमेंट करके देखेंगे तभी तो आपको आएगी। आप नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तभी तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप खाना, ये नहीं बोलते कि आपको खाना बनाना ही नहीं आता, अब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक बार गलत बनेगा, दो बार गलत बनेगा, तीसरी बार आप थोड़ा बहुत तो ठीक बनाएंगे। तो एक तो प्रैक्टिस, उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद उसके ऊपर आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए। नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। एक बार नहीं होंगे, दो बार नहीं होंगे, उसके बाद तो आप परफेक्ट हो ही जाएंगे। तो दैट्स वाई, तो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है मैनेजमेंट, और एक प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड होती है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल के अंदर क्या आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रेजिड। मैनेजमेंट ये नहीं है कि जो प्रिंसिपल है वो रेजिड है, वो फिक्स नहीं है, वो रेजिड नहीं है, वो फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंज होते रहते हैं। जो प्रिंसिपल है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होते, क्योंकि दे कैन बी मॉडिफाइड। हम उनको और मॉडिफाइड कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हूँ, बट अभी भी मुझे बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। हम अभी भी अपने आप को बहुत अच्छा और भी कर सकते हैं। तो अब उस चीज़ को और मैनेजमेंट उस चीज़ को मॉडिफाइड करती रहती है, एंड मैनेजर विन द सिचुएशन। आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो आप उसको और भी अच्छा कर सकते हैं, और डिमांड के अकॉर्डिंग उन डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कई बार एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं किसी भी, जैसे अभी मेरी है ना बहुत, जैसे जो वायरल चल रहा है, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो अभी मैं ये सोचूँ कि मैं थक गई हूँ, मैं वीडियो स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं बना रही हूँ, हम डे थर्ड पे आज आ गए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये सीरीज छोड़ दूँ। लेकिन अभी मैंने क्यों नहीं छोड़ी ये सीरीज़, क्योंकि अभी इंसान हमेशा अपने माइंड से थकता है। जैसे कई बार मेरे एक टीचर हैं, वो कहते थे कि बेटा इंसान हमेशा माइंड से थकता है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आप आके बोलते कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और थकने के बाद आप बेड पे बैठ जाइए और वहाँ पे आग लग गई है, तो आप पहले इंसान वो होगे जो सबसे पहले घर से बाहर जाएगा, क्योंकि आप थकी नहीं है, आप सिर्फ अपने दिमाग से थके हैं, आप सिर्फ अपने माइंड से थकते हैं, आप अपनी बॉडी से नहीं थकते। आप अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आपकी बॉडी थक गई, अब इसकी ज़्यादा आपकी बॉडी काम नहीं कर सकती है। तो अब अगर आप मैनेजमेंट जो वो रेजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल किस तरीके से होगी वो, कि मैनेजमेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट काम करती है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिहेवियर के ऊपर मैनेजमेंट डिपेंड होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम ऑफ इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बींग, क्योंकि ये ह्यूमन बींग के बिहेवियर्स पे डिपेंड होती है। इसके अंदर क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियर इन नेचर। इट इज नॉट दैट द प्रिंसिपल आर द प्रेजेंट इन द एंड फिनोमेना एट ऑल। जैसे कि हमने बोला कि फ्योल और टेलर के जो प्रिंसिपल है उसके अंदर हम इनको पढ़ेंगे, ये बिहेवियरल होती है, ये जो ह्यूमन बींग का बिहेवियर होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सिक्स्थ पॉइंट, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि ये कॉजेज पे और जो इफेक्टिव रिलेशनशिप होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप के अंदर क्या पॉइंट आएगा, ये है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्टिव सो दैट दे कैन बी यूज फॉर सिमिलर सिचुएशन। क्योंकि ये जो है, ये सिमिलर सिचुएशन के ऊपर जो भी हमारे कॉजेज हैं इफेक्टिव रिलेशनशिप है उनके ऊपर बेस्ड होती है नंबर ऑफ कॉजेज। इन ए सच केस द टेल एज अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एंड, मतलब हम एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल बता सकते हैं कोई भी केस के अंदर,
और उसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो हमारी इफेक्टिव रिलेशनशिप होती है उसके ऊपर मैनेजमेंट जो है वो बेस्ड होती है। इसके बाद जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो क्या होगा फिर का, वो है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट जो मैनेजमेंट है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिजेंट है और डिपेंडेंट है अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन, जो हमारी पहले की जो सिचुएशन रह चुकी है एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे जो सिचुएशन रह चुकी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, कॉन्टिजेंट होती है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू चेंज एज पर रिक्वायरमेंट, जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल की वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जो हमारी प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन है वो एज अ रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है। इसके बाद हमारा क्या है, तो हम अगला टॉपिक क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन सी सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद अ यूजफुल इनसाइट इनटू अ रियलिटी। मैनेजर को कोई भी जो इम्पोर्टेंट कोई भी रियलिटी है, कोई भी रियल चीज़ है या कोई भी सरकमस्टांसिस है उसको प्रोवाइड करवाना कि अभी एग्जैक्ट हमारे पास क्या कंडीशन चल रही है, हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है, उसको रियलिटी बताना कि क्या रियलिटी चीज़ है, क्या रियल चीज़ है, ये मैनेजर जो है उसको बताना। इसके अंदर क्या है, दिस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू अ रियलिटी वर्ल्ड सिचुएशंस, जो भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन उसके बारे में उसको नॉलेज देना, एबिलिटी एंड अंडरस्टूड द मैनेजर सिचुएशन एंड सरकमस्टांसिस, जो भी मैनेजर सिचुएशंस होती हैं सरकमस्टांसिस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करवाना और उसको उस बारे में सारी रियलिटी बताना। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, बिल्कुल मतलब इनको फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं हम इनका फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं, फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या कि हम मैनेजमेंट का यूज़ करके हम इनका फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि हम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, ह्यूमन बींग का, चाहे फुल्ली यूटिलाइजेशन आप ह्यूमन बींग का लगा लीजिए चाहे रिसोर्सेज का लगा लीजिए, हम ह्यूमन बींग का भी फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं और रिसोर्सेज का भी, जो मटेरियल है हमारे पास अवेलेबल है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं इन इफेक्टिव मैनर, क्योंकि हम मैनेजमेंट को यूज़ करके, जब हम मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ वेस्ट होगी, हम उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उन चीज़ों का फुल्ली यूटिलाइजेशन करना। इसके बाद इसके अंदर थर्ड पॉइंट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब मैनेजमेंट जो है वो साइंटिफिक डिसीजन लेती है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है और हमारी जो साइंस है वो भी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो मैनेजमेंट जो है वो साइंटिफिक डिसीजन लेती है, जो पहले की जो फैक्ट हो चुके हैं, जो पहले की घटना हो चुकी है। जैसे कि मान लें हमने कोई मैनेजमेंट एक इवेंट किया हमने कोई भी, वो फुल्ली मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमने किया है, अगर वो इवेंट अच्छा रहा है तो उसके फैक्ट्स अच्छे हैं, हम दोबारा उस जो हमने तरीका यूज़ किया था, जो हमने मेथड यूज़ किया था उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वो जो मेथड है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अब वो फैक्ट हो गया हमारे पास एक, अब उस फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, अगर वो मेथड जो हमारा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो जो हम उस जो हमारा वो हमारा पहले वाला जो मेथड था उस मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, डिसीजन मस्ट बी यूज्ड ऑन द फैक्ट्स, जो डिसीजन है वो फैक्ट्स के ऊपर लिया जाएगा एंड थॉटफुल सोच के एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरडिपेंडेंट पर्पस, डिपेंडेंट नहीं होगा, इंटरडिपेंडेंट पर्पस के अकॉर्डिंग हम उसका डिसीजन लेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के मतलब क्या होगा कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए उसके अंदर, मॉडिफाइड हो जाए वो, मॉडिफाइड भी हम उसको बोल सकते हैं, मॉडिफाई हो जाए वो, तो ऐसा इन्वायरमेंट हमें चाहिए। सॉरी पता नहीं मेरी आदत ऐसी हो गई है, मैं इसको है ना ऐसे उंगली से साफ कर देती हूँ, फिर इस पे है ना पूरा निशान हो जाता है, जैसे इस बोर्ड पे यहाँ पे हो गया और मुझे याद नहीं रहता कि मैं डस्टर से साफ कर लूँ इस चीज़ को। इसके अंदर क्या है कि मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा कि ये मॉडिफाई हो जाए, ऐसा जो जिस जैसा इन्वायरमेंट है, ये नहीं बोलते जैसा देश वैसा भेस, तो जैसा इन्वायरमेंट हो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी मैनेजमेंट चेंज हो जाए और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो मॉडिफाई होकर अपना काम है वो करे। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, फुलिंग
फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पब्लिक के लिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके बारे में उनको अवेयर करें, इंक्रीज करें उनके बारे में, जो भी हमारी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको फुलफिल करें, जो भी हमारी पब्लिक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक के टुवार्ड्स जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बारे में उनको अवेयर करके उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना, ये मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस है। इसके अंदर क्या होगा, द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक, पब्लिक की जो अवेयरनेस उनको इंक्रीज करे, एंड फोर्सेस बिजनेस एक्सटेबलिश लिमिटेड कंपनीज एंड फुल्ली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक लिमिटेड, जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनको एक्स्टेब्लिश करें। लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि लिमिटेड कंपनी आपने देखा होगा कि भाई एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जो प्राइवेट कंपनी होती है। ये नहीं होता है कि नाम लिखा होता है कि एक्स वाई जेड, हम नाम कोई भी ले सकते हैं इसकी जगह, लिमिटेड LTD लिखा होता है वहाँ पे, लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइवेट कंपनी है, ये लिमिटेड कंपनी है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर, एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब कि मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ क्या है, जो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, कैसे आपने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद आप कितने एजुकेटेड हैं, कितनी आपके पास नॉलेज है, कितने आप एजुकेटेड हैं, कितने आपके पास नॉलेज है, उस चीज़ के ऊपर मैनेजमेंट जो है वो बेस्ड होगी। मैं ना ऐसे लिखती हूँ ना, तो कई बार मुझसे ना स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसे लिखते लिखते मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या लिख गई, बट अब तो ये सब जो स्पेलिंग है वो ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है। जितना आपने रिसर्च किया है उस चीज़ के बारे में, जैसे कि मान लीजिए आपके फैक्ट्स क्या कहते हैं, आपने रिसर्च किसने की है, कि आपने मान लीजिए पहले कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, किसी भी मेथड से ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके ऊपर लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहा है, उस रिसर्च के ऊपर बेस्ड रहती है मैनेजमेंट जो है। इसके अंदर क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी, क्योंकि जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो मैनेजमेंट थ्योरी के कोर होते हैं। एज अ सच दीज आर यूज फॉर बेसिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि ये जो है ये बेसिक जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, एंड रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि जैसे कि मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने मास्टर्स की है, MBA की है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपने BBA की है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो टीच दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं, और मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो एक सब्जेक्ट हमारा आता है, BCom के अंदर भी आता है बिजनेस मैनेजमेंट। जैसे मैं आपको BCom करवा रही हूँ, BCom के मैं आपको 10 सब्जेक्ट करवा चुकी हूँ, ये हमारा क्या है, BCom के अंदर आता है ये जो सब्जेक्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट ये भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को। मार्केटिंग हमारा पूरा एक सब्जेक्ट आता है, मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर एडवर्टाइजमेंट से आप जब BCom करते हैं, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, और सर्विस मार्केटिंग हो गया। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे आप BCom करोगे आगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या किया है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।